नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्लाट का साइज है वो 40x50 फीट है और ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान रहेगा। सबसे पहले देखिए प्लाट की हम आपको डिटेल बता देते हैं। प्लाट की जो एक्चुअल चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट है और सेम चौड़ाई पीछे से भी 40 फीट है। प्लाट की लंबाई आपकी इस कॉर्नर से यहाँ तक 50 फीट है और इस कॉर्नर से यहाँ तक 50 फीट है, यानी कि जो 2000 स्क्वायर फीट का अपना तो टोटल प्लाट है। और जब हम ग्राउंड फ्लोर का प्लान बनाने जा रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसा कि आपको पता है, वास्तु तो घर का सही होना 100% जरूरी होता है। सेकंड चीज़ होती है वेंटिलेशन। अब इस प्लाट का सिर्फ आगे से फ्रंट ओपन है, सिर्फ आगे का हिस्सा ही ओपन है जो रोड की तरफ खुल रहा है, और इस तरफ भी दूसरे लोगों का मकान है, अदर प्रॉपर्टी है, पीछे भी अदर प्रॉपर्टी और इधर भी अदर प्रॉपर्टी है। तो वेंटिलेशन आपको ग्राउंड फ्लोर से ही लेकर चलना है। और जब आप वास्तु अनुरूप घर बनाएंगे तो इन फ्यूचर आपको ऊपर घर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी उन्नति होगी लाइफ में और पॉजिटिव एनर्जी घर में रहेगी तो काफी प्रोग्रेस भी होगी। तो सबसे पहले देखिए, वास्तु बहुत जरूरी होता है, उसको फॉलो करके अपने घर का निर्माण करें। आज का जो प्लान है वो वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट में आगे से रोड जा रही है। जो मेन दरवाजा है वो हमने यहाँ पर दिया आपका मेन डोर, जिसको हम मुख्य दरवाजा कहते हैं। वास्तु अकॉर्डिंग दिया गया है वायव्य कॉर्नर में, ठीक है। वायव्य कॉर्नर में काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर वायव्य कॉर्नर में दरवाजा देना सही रहेगा क्या। अगर आपका उत्तर मुखी घर है, नॉर्थ फेसिंग है, तो वायव्य कॉर्नर में दरवाजा देना बहुत अशुभ होता है। मगर वेस्ट फेसिंग जो होम है उसमें हम वायव्य कॉर्नर में दरवाजा दे सकते हैं। तो इसके बाद में हम जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा पार्किंग एरिया 12 फीट का स्पेस यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ा गया है और पूरा ओपन है। आगे आगे की तरफ हमने 7.5 फीट 4 इंच का स्पेस छोड़ा है, जिसके अंदर हमने भारी सीढ़ियां दे दी है। और घर का वेंटिलेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर का वेंटिलेशन इधर हमने 4 फीट 11 इंच जगह छोड़ी है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, जहां पर आपको बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर से इस बी तक पूरी हमने 11 फीट स्पेस छोड़ा है, ठीक है। और इस कॉर्नर से यहां तक हमने पूरा 5 फीट स्पेस छोड़ा है और पीछे की तरफ हमने 2 फीट स्पेस छोड़ा है। यानी कि जो हमारे घर का जो निर्माण होगा, एक्चुअल निर्माण जिसको कहते हैं, वो 32 फीट की चौड़ाई में हो रहा है और लंबाई हम इस कॉर्नर से इन सीढ़ियों के यहां तक हम लगाते हैं तो ये 38 फीट की लंबाई में है, ठीक है। और सीढ़ियों के आगे का भी पूरा स्पेस ओपन रह रहा है। तो नीचे अगर आप वेंटिलेशन का अच्छे से स्पेस छोड़ेंगे तो इन फ्यूचर जब आपका ऊपर घर बनेगा तो उसकी जो बालकनीज वगैरह है, वेंटिलेशन है, वो बहुत शानदार होगा और आपका घर का जो लुक रहेगा और डिजाइन रहेगा वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस चीज को आप ग्राउंड फ्लोर से ही फॉलो करके चलें, पूरे एरिया को कभी भी कवर ना करें, थोड़ा एरिया वेंटिलेशन के लिए आप जरूर छोड़ें। वास्तु अनुरूप जब आप घर बनवाते हैं तो अगर जिनको जानकारी होती है वो अच्छे से हर चीज मैनेज करके आपको प्लान देते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आपके या आपके बच्चों को ना हो। तो सबसे पहले देखिए, वास्तु आपको फॉलो करना है और दूसरा वेंटिलेशन आपको फॉलो करना है। फिर आप देखिए यहाँ पर पार्किंग, ये सीढ़ियां होगी, बाहर की तरफ सीढ़ियां हैं नर्तक्य कॉर्नर में, उससे काफी शुभ आपके इफेक्ट पड़ेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि नर्तक्य कॉर्नर भारी और ऊंचा रहना बहुत शुभ माना जाता है, धन दाने सुख समृद्धि निरोगी काया देने वाला माना जाता है। और ये इस साइड की पूरी नॉर्थ है, उत्तर दिशा अगर आपके ओपन है, पूर्व दिशा ओपन है, वो बहुत ही शुभ रहती है। अब देखिए आप आगे चलेंगे, यहाँ पर हमने बी लिख रखा है, यहाँ पर आपका बोरवेल का पॉइंट है। बोरवेल अगर आपको घर में बनवानी है या भूमिगत स्टोरेज वाटर का रखना है तो आपको यहीं रखेंगे आप वास्तु के अनुरूप, तभी आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। फिर आप देखिए अंदर हम एंटर करते हैं मेन डोर से, तो अंदर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमने सोफे वगैरह का स्पेस दिया, कोई गेस्ट आ रहा है सोफे वगैरह आप यहाँ पर, आपके जो स्मॉल सोफे हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आप जैसे अंदर एंटर करेंगे तो ये पूरा हमने हॉल रखा है, जिसको हम लिविंग हॉल कहते हैं। यहाँ पर आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे बिग साइज के, एक दरवाजे आप उत्तर की तरफ ओपन कर सकते हैं और एक सिंगल दरवाजा हमने आपके पूर्व की तरफ जाने में ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका डाइनिंग का एरिया है, एक विंडो आपकी यहाँ लगेगी, एक खिड़की इधर लगेगी और एक खिड़की यहाँ लगेगी, तो शानदार वेंटिलेशन होगा, रोशनी से भरपूर होगा। लेटेस्ट डिजाइन में क्या होता है कि लोग ओपन स्पेस रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे कम स्पेस में घर काफी बड़ा और खुला खुला लगे, उसी अकॉर्डिंग पूरा प्लान रेडी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके गेस्ट के लिए छोटे सोफे हो गए, यहाँ पर आपका लिविंग एरिया, बड़े सोफे लग जाएंगे, यहाँ डाइनिंग एरिया
ओपन आपका जो दरवाजा होगा, दो विंड आपके डोर दिए गए हैं, दो विंडो इधर एक विंडो इधर लगेगी। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ पूजा घर दिया गया 4x6 फिट का, और यहाँ पर इसका डोर लग जाएगा। आप चाहें तो पूजा घर को एकदम इस कॉर्नर में भी दे सकते हैं, हमने पूरा आपके पूर्व में दिया है, आप ईशान्य में देंगे तो वो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है, सेकेंड ऑप्शन ये रहता है, तो हमने सेकेंड ऑप्शन इस प्लान में लिया है ताकि डाइनिंग के लिए स्पेस और दरवाजे का स्पेस हो जाए वास्तु के अकॉर्डिंग। अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो 12 फीट की चौड़ाई में हमने किचन रसोई घर दिया है, पूरा वास्तु के अनुरूप है, ओपन किचन है। पीछे की तरफ आपके यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक विंडो आप चाहो तो इधर दे सकते हो, मगर आपके एक विंडो काफी रहेगी किचन में, क्योंकि पूरा स्पेस आपके ओपन रहेगा। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके इस साइड में आप जाएंगे तो ये आपका रूम है, 12x12 फीट की स्पेस में हमने रूम दिया है आपका, ये काफी स्पेस पूरा 10x4 इंच की चौड़ाई है, इसकी लंबाई रहेगी 12 फीट, चौड़ाई एक रूम है। सेकेंड रूम ये दिया गया है, इस रूम की भी सेम आपकी 12 फीट की चौड़ाई रहेगी, ठीक है। और थर्ड रूम ये है, इस रूम की आपकी 12 फीट लंबाई रहेगी और 7.5 फीट आपकी चौड़ाई, 8.5 फीट आपकी चौड़ाई रहेगी, 8 फीट 8 इंच। तो तीन रूम है, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम। अब एक रूम में आप अटैच लेट बाथ इसमें दे सकते हैं या एक रूम में इसमें दे सकते हैं, हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं। दोनों में से एक रूम में आप अटैच लेट बाथ दे सकते हैं, अगर इसमें देंगे तो दरवाजा यहाँ होगा, इसमें देंगे तो दरवाजा यहाँ होगा, मगर एक लेट बाथ को आपको एना कॉमन लेट बाथ रखना ही होगा। तो इसके लिए अगर आप इस लेट बाथ को अटैच रख रहे हैं कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए अगर आप इसको रख रहे हैं या इसको रख रहे हैं, तो आपको एक लेट बात को, जैसा कि हमने इसको कॉमन कर दिया है, तो इस लेट बात को आपको कॉमन करना होगा और इस डोर को आपको क्लोज करना होगा। तो ये लेट बात आपके सीधा कॉमन हो जाएगा आंगन में और एक लेट बात आपके अटैच रह जाएगा, क्योंकि ये जो रूम होता है ये गेस्ट के लिए नहीं होता है, इसलिए ये घर के मुखिया के लिए होता है, नृतज्ञ कॉर्नर का रूम वास्तु के अनुरूप, तो इसलिए हमने इसको आपके कॉमन लेट बात कर दिया है। तो तीन रूम बनेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे पूजा घर है, बड़ा सारा डाइनिंग एरिया हो गया है, ओपन स्पेस है आपके पूरब की तरफ, बोरवेल का हमने आपको मार्क कर दिया है, आपके उत्तर की तरफ भी ओपन स्पेस है, दोनों तरफ डोर दिए गए हैं, आपके बाहर पार्किंग होगी, सीढ़ियां होगी, तीन रूम हो गए, काफी स्पेसफुली बड़े बड़े, हर चीज पूरे वास्तु के अनुरूप हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर आपका इतना शानदार बनेगा, तो फर्स्ट फ्लोर आप सोच सकते हैं काफी स्पेस रहेगा और बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि उसमें बालकनीज वगैरह निकलती है तो घर का काफी अच्छा लुक आ जाता है। जब भी आप घर का निर्माण करवाना चाहें वास्तु के अनुरूप हमारे द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फीस लेके वर्क किया जाता है, पेड सर्विस रहती है, उसमें आपके वास्तु अनुरूप नक्शे का निर्माण का कार्य और एलिवेशन का कार्य, इंटीरियर का कार्य, हर चीज जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।